असलकुम आज हम लोग करेंगे बच्चों एक्सरसाइज थ्री बी का क्वेश्चन नंबर नाइन एंड टेन नाइन क्वेश्चन हम लोग करेंगे बुक पे और टेन वाला जो क्वेश्चन है उसको हम नोट कॉपीज पे करेंगे आज आप लोगों ने बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझना है बिकॉज़ हमने डायग्राम्स बनानी हैं और उनको अगर आप लोग अच्छे तरह से समझ लेंगे तो फिर आपके लिए बनाना मुश्किल नहीं होंगी सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन है वो है राइट स्टेटमेंट्स टू मैच दीज डायग्राम्स ये उन्होंने आपको डायग्राम्स दी हुई है उन्होंने कहा है कि इन डायग्राम को हमने स्टेटमेंट में लिखना है स्टेटमेंट का मतलब है कि इनको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है अब आप अगर गौर से देखें तो ये डायग्राम एक ही है ये नहीं करना कि इसकी फ्रैक्शन अलीहदा इस डायग्राम को उन्होंने चेंज करके ये बनाया है इसकी पहले हमने फ्रैक्शन बतानी है वन टू थ्री फोर फोर पार्ट्स हैं जिसमें से कलर्ड कितने हैं वन तो इसकी फ्रैक्शन हो गई वन बाय फोर अब अगर आप गौर से देखें उन्होंने इसी डायग्राम को आगे डिवाइड कर दिया है वन टू थ्री पार्ट्स में अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें विद डॉटेड लाइन तो आपको पता लगेगा कि यही डायग्राम थी और इस डायग्राम को उन्होंने वन टू थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो इसको हम लिखेंगे वन बाय थ्री ऑफ वन बाय फोर के यानी कि जो वन बाय फोर वाली डायग्राम थी उनको उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया थ्री पार्ट्स में और इसके अंदर से अब कितनी शेडेड रह गई ओनली वन वन बाय थ्री इसी तरह ये कितने पार्ट्स हैं टू टू में से कलर्ड कितने हैं वन इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे वन बाय टू अब वन बाय टू को उन्होंने वन टू थ्री फोर फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हम लिखेंगे वन बाय फोर ऑफ वन बाय टू वन बाय फोर वन टू थ्री फोर फोर पार्ट्स हैं जिसमें से कलर्ड वन है और ये किस से उन्होंने किसको डिवाइड किया वन बाय टू डायग्राम को तो इस तरह ये हमने डायग्राम को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ डाइग्राम्स टू मैच दीज मल्टीप्लीकेशन्स एंड राइट द प्रोडक्ट ऑफ ईच अब उन्होंने हमें ये फ्रैक्शन दी हुई हैं वो कह रहे हैं कि इन फ्रैक्शन्स की हमने डायग्राम बनानी है यानी कि फ्रैक्शन को हमने डाइग्राम के थ्रू उनका प्रोडक्ट बताना है ठीक है तो इसको हम करेंगे अपनी नोट कॉपी पर आपने इनको बहुत ध्यान से समझना है कि मैं हर फ्रैक्शन की डायग्राम कैसे बनाऊंगी और फिर आंसर की डायग्राम कैसे बनाऊंगी ठीक ओके okay, बच्चों, हमने पहले क्या करना है जो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर टेन का ए पार्ट सबसे पहले तो इसको सॉल्व करके आंसर बताना है कि मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या आएगा वन मल्टीप्लाई बाय थ्री टू मल्टीप्लाई बाय फोर तो इसका आंसर आ गया थ्री बाय एट इसका मतलब है कि अब हमने वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय फोर इक्वल्स थ्री बाय एट हमने इसकी भी डायग्राम बनानी है हमने इसकी भी डायग्राम बनानी है और फिर जो हमारे पास आंसर आया है आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के आंसर को हम कहते हैं प्रोडक्ट तो जो प्रोडक्ट आया है उसकी भी हमने डायग्राम बनानी है अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब हमने डायग्राम बनानी है तो उसमें हमने दो चीजें बनानी है रोज एंड कॉलम्स रोज मतलब ऐसे लाइने लगाएंगे कॉलम्स मतलब ऐसे वर्टिकल रोज हॉरिजोंटल होती हैं कॉलम्स वर्टिकल होते हैं और जो प्रोडक्ट की डायग्राम होती है उसके अंदर दोनों चीजें आती हैं ठीक अब आप एक बात याद रखना कि जो हमारे पास पहली फ्रैक्शन होती है ये वाली इसकी हम बनाते हैं रोज सेकेंड वाली की बनाएंगे कॉलम और इनके रोज प्लस कॉलम्स दोनों चीजें बनानी है ठीक सो so, हम स्टार्ट करते हैं पहले मैं बनाऊंगी अब हमें ये रोज कितनी चाहिए टू रोज होनी चाहिए जिनमें से वन कलर्ड ये देखें आप लोग अपनी जब मैथ की कॉपी पे बनाएंगे तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने बनानी है ठीक है वन टू टू रोज हो गई जिनमें से हमने ये वन कलर कर दी इसको मैंने लिख दिया वन बाय टू अब मैंने बनानी है थ्री बाय फोर के कॉलम्स फोर कॉलम्स बनाऊंगी वन टू थ्री फोर ये देखें वन टू थ्री फोर ये मैंने ऐसे बना दिए कॉलम्स वन टू थ्री फोर कॉलम्स है अब इनमें से कलर मैंने कितने करने हैं थ्री वन टू थ्री इसकी फ्रैक्शन हो गई थ्री बाय फोर अब इन दोनों की कंबाइंड डायग्राम इधर बनाएंगे इक्वल्स पहले ये डायग्राम इधर बनाए ये आपको बहुत मजे का लगेगा जब आप इन डायग्राम्स को खुद ड्रॉ करेंगे ये पहले हमने रो बना ली इसके अंदर हम फोर कॉलम्स बना लेंगे कॉलम्स बन गए और एक रोज यानी कि इन दोनों डायग्राम्स को कंबाइन हमने इधर बना लिया अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए थ्री बाय एट यानी कि थ्री वन जार थ्री फोर टू जार एट अब आपको कैसे पता लगेगा कि इनमें से हमने कौन से कलर करने हैं तो वो आप ये देखें कि ये पहली सारी रो कलर थी इधर से वन टू थ्री ये थ्री ब्लॉक्स भी कलर हैं तो हम इनको कलर करेंगे जो हमारे कॉमन होते हैं देखें यहाँ पे कलर हुआ हुआ है पर यहाँ पे कलर नहीं है इसीलिए मैं इन ब्लॉक्स को कलर नहीं कर रही यहाँ पे बिल्कुल भी कलर नहीं है इसलिए मैं इनको भी कलर नहीं कर रही तो ये आपकी एग्जैक्ट डायग्राम से आपने अपनी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट की है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वन बाय फोर टू बाय फाइव इसकी भी हम ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे पहले मैं बनाऊंगी पहले तो हम इसका आंसर लिखेंगे इसका क्या आंसर आएगा वन बाय फोर मल्टीप्लाई वन बाय फोर मल्टीप्लाई बाय टू बाय फाइव टू वन जार टू फोर फाइव जार ट्वेंटी इसका मतलब है वन बाय फोर की हमने बनानी है रोज टू बाय फाइव की बनानी है कॉलम्स और इनके कंबाइन रोज एंड कॉलम्स कैसे करेंगे पहले मैं बनाऊंगी रोज वन टू थ्री फोर फोर रोज ये देखें वन टू थ्री एंड फोर अब मैं बनाऊंगी टू बाय फाइव के कॉलम्स फाइव कॉलम्स वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव five columns. अब इसमें से हमने कलर कितनी करनी है वन और इसकी फ्रैक्शन हो गई वन बाय फोर मल्टीप्लाई बाय टू कलर करनी है टू बाय फाइव अब हमने जो हमारी कंबाइंड डायग्राम बननी है वो क्या बनेगी फोर कॉलम्स सॉरी फोर रोज एंड फाइव कॉलम्स इधर स्पेस थोड़ी है इसीलिए मैं नीचे बनाऊंगी वन टू थ्री फोर ये देखें फोर रोज एंड फाइव कॉलम्स वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन सॉरी वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है अब देखें अब हम कौन सा कलर करेंगे इसमें ये देखें फर्स्ट रो आपकी सारी कलर है इधर से ये और ये ये कॉमन कलर हुए हुए हैं ये कलर हुए हुए हैं पर यहाँ पे कलर नहीं है इसीलिए हम फर्स्ट कॉलम ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक इन दोनों को कलर करेंगे और इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएंगी टू बाय ट्वेंटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी जो हमारा आंसर ऊपर आया था टू बाई ट्वेंटी वो हमारे बॉक्स कंप्लीट हो गए कि ट्वेंटी बॉक्स हैं जिसमें से कलर कितने हैं टू कलर हैं सो बच्चों ये बहुत ही मज़े की हैं डायग्राम्स अगर आप इनको सिर्फ़ एक दफ़ा बहुत ध्यान से समझें और उसके बाद आप इनको बनाना शुरू करें तो आपको इनको बनाने में बहुत मज़ा आएगा और आपने मैं तो ब्लैक से शेड कर रही हूँ पर आप इनको अच्छे से कलर पेंसिल्स के साथ शेड करना ये जो बाकी पार्ट्स हैं सी एंड डी आपने इनकी खुद प्रैक्टिस करनी है और बाकी ये जो दो पार्ट्स हैं इनकी भी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है थैंक यू